It's, oh my God, yeah. लैक्मी Can see the glow. ये सिर्फ 25 rupees का foundation है, guys. Hi my angels, welcome to my channel and this is Suman. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप चैलेंज, जो कि एक मेकअप लुक क्रिएट करना है मुझे अंडर 50 rupees. सो एज यू कैन सी, मैंने ये लुक मेकअप क्रिएट कर लिया है और वो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो कि होंगे अंडर 50 rupees. अगर आपको देखना है वो कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज़ करके ये ग्लैम मेकअप पार्टी मेकअप लुक क्रिएट किया है, सो इस वीडियो को पूरा देखना. प्रोडक्ट्स लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक देयर प्राइस, देयर नेम एंड ये लुक आपको कैसा लगा, ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और कौन से मेकअप चैलेंज आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टेक ऑन 50 rupees मेकअप चैलेंज. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना जो मैंने बताया आपको कैसे लगा मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट कैसे लगे, कौन सा आप मेकअप ट्राई करना चाहोगे एंड और कौन से मेकअप चैलेंज आप मुझे देना चाहते हो. सो लेट्स हेड टू द वीडियो. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to me. पहला जो मैंने चूज़ किया है प्राइमर, तो मैंने प्राइमर ढूंढा था, मुझे कोई प्राइमर नहीं मिला अंडर 50 rupees, बट आई गॉट दिस पतंजलि का एलोवेरा जेल. वी ऑल नो पतंजलि का एलोवेरा जेल प्राइमर का बहुत अच्छा काम करता है. सो आई एम टेकिंग दिस येलो वन. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्रीन वाला लीजिए. एंड नाउ आई एम पुटिंग ऑल ओवर माय फेस सो दैट माय फेस गेट्स ऑल द स्पेस ऑफ प्राइमर. फाउंडेशन, दिस इज ब्लू हेवन गोल्ड फाउंडेशन एंड दिस इज ब्लू हेवन सिग्नेचर फाउंडेशन. ये दोनों ही अराउंड 25 और 30 rupees में मिले मुझे, अंडर 30 है. इट्स नॉट 50, इट्स 30 गाइज. सो ये बहुत बजट वाला फाउंडेशन है. सो इन दोनों में से मैं आज चूज करूंगी गोल्ड वाला. सो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन माई फेस. सो इट्स एक्चुअली ड्यूई फाउंडेशन, कैन यू सी द ग्लो, आई लव दिस, माय गॉड. इसकी कवरेज बहुत कम है. फॉर पार्टी मेकअप वी नीड सम ड्यूई ग्लिटरी फेस, सो यू कैन गो विद दिस फाउंडेशन बिकॉज दिस इज रियली रियली ग्लोई ऑन माई फेस. गॉड दिस इज कूल. I think I will go with second layer, but abhi hum apna first layer complete kar lete hain. You can see the glow. Ye sirf 25 rupees ka foundation hai guys. And it's killing every foundation on the market. 50 rupees ka mujhe concealer nahi mila hai guys, so main isi ko as a concealer laga rahi hu. आई होप ये मेरे डार्क स्पॉट्स को कवर कर दे. दैट्स इट. ओके सो नाउ आई एम गोइंग विद माई मिनी मिनी क्यूट स्पंज. सो फाउंडेशन डन. And now let's move to our compact powder. So I'm really excited to share with you guys कि मुझे compact भी मिला ADS का. This is only for under 50 rupees. Like it's only for 50 rupees. And in some shop I found it only for 30 rupees. So मैंने इसे 30 rupees के shop से purchase किया है. ADS compact, ADS True Beauty Define powder compact. And this is the packaging. And when you open it, you get this compact and a mirror and an applicator. How amazing! Like
मैंने भी रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक आई जस्ट रिव्यूड सम काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट और सीसी क्रीम, नो इट वाज लैक्मी, हाँ लैक्मी का पैनकेक मैंने रिव्यू किया था एंड डिडंट हैव मिरर, बट दिस ओनली 50 रुपीज, गाइज कम ऑन, मिरर, इसके पास मिरर नहीं है. सो मैं इस कॉम्पैक्ट को सेट, अपने फेस मेकअप को सेट करूँगी. हमारा फेस ऑलरेडी ग्लोई ड्यूई सा हो गया बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड फाउंडेशन. हाईली रिकमेंडेड, अगर आपको ड्यूई फाउंडेशन चाहिए यू कैन गो विथ दिस. टू सेट माई फेस मेकअप आई एम यूजिंग दिस ADS कॉम्पैक्ट एंड मुझे जहाँ रिक्वायर्ड लग रहा है मैं वहीं सेट करी. लेट्स गो अंडर आईज. Let's go with this blush. So I will take from this one. It's, oh my god, yahan par iska color dikh raha hai. On hand it was not showing, but you can see here. So main isse apply karungi cheeks par. Eyebrows, I have this. This is Swiss Beauty eyebrow pencil. You can get in the market for under 50 rupees. This is from ये मेरे पास ऑलरेडी था. ये मार्केट में आपको 50 रुपीज या अंडर 50 में मिल जाएगा. दिस इज मीना जनरेशन का आई पेंसिल और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पर. माई आईज आई एम यूजिंग अगेन दिस ब्लश, यू नो, पिंक टोन देने के लिए. सो आई एम अप्लाइंग ऑन माई आईज. This will give the most smoky look. You know, इससे हमारे जो lower lash में काजल है उसको भी हम स्मच कर लेंगे. Since it is really really pigmented, तो मैं इसे स्मच कर रही हूँ. Not too much. Take this foundation और इसको मैं थोड़ा सा कट क्रीज में लाना चाहती हूँ. तो इसको इजी अप्लाई करने का तरीका है, आप इसे अपने बैक ऑफ ब्रश को लेकर थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल, एंड देन अप्लाई. और इसके ऊपर मैं प्रेस्ड ग्लिटर लगाऊंगी इन द शेड पर्पल, दिस वन. इसको लेकर सिर्फ डैब करूंगी मैं अपनी आईज पर. आईलाइनर आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स आईलाइनर, ये 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा. And now finishing off this makeup with highlighter. So definitely मुझे highlighter भी नहीं मिला. So what I got is this pearl highlighter and this is what I use for my highlighter spray or you can say makeup fixer. तो इसको मैं dab dab में करके लगाऊंगी अपने face पर, like here, tip of my nose. As a highlighter.
मस्कारा आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन मस्कारा, ये भी 50 रुपीज में मिल जाएगा आपको मार्केट में, एंड आई एम कर्लिंग माई लैशेज विद इट. एंड टू फिक्स माई मेकअप मैं यूज कर रही हूँ अपना DIY मेकअप फिक्सर स्प्रे. इसके अंदर मैंने पर्ल पाउडर डालकर और एलोवेरा जेल ग्लिसरीन डाल के बनाया हुआ है. सो डेफिनेटली यू कैन मेक दिस एट योर होम. सो मैं इसे स्प्रे करूँ अपने पूरे फेस पर. And we are done. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to. Enjoyed this tutorial and I hope आप भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर पाओ बहुत ईजिली. ये सोचकर मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो लाइक करना इस वीडियो को, जल्दी से शेयर करना अपने फ्रेंड्स में ताकि आपके भी फ्रेंड्स मेकअप चैलेंज कर पाए, और ये वाला आप जल्दी कर लेना चैलेंज ताकि आप अपने फ्रेंड्स से जीत पाओ बहुत जल्दी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise.